पंचायतों में ई टेंडर पॉलिसी को लेकर जहां सरपंचों का आंदोलन हरियाणा भर में जारी है, तो वहीं सत्ता में बैठी जेजेपी का स्टैंड साफ नहीं हो पा रहा है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ई टेंडरिंग पॉलिसी का समर्थन करते हैं, तो उनकी पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला सरपंचों के साथ खड़े हो जाते हैं। जुलाना में आज जेजेपी विधायक अमरजीत ठांडा भी खुलकर सरपंचों के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने न केवल सरपंचों के धरने पर पहुंचकर उनका समर्थन किया, बल्कि उनकी मांगों को भी जायज करार दिया और अपनी सरकार से मांग भी कर दी कि सरपंचों की मांगों को पूरा करना चाहिए। आज सरपंचाई जो मांग थी, पहले सरपंचों में मेरी जिम्मेदारी है विधायक के नाते से, विधायक जी जो 2 लाख की ट्रेनिंग वाली है, या आप सीएम से, डिप्टी सीएम से, मंत्री से बात करो, या जी हमने विधानसभा मुद्दा बिठाया था, सीएम साहब ने बात सुनी, डिप्टी सीएम सुनी, मंत्री जी ने सुनी, उन्होंने कहा तो बिना टाइम देंगे अच्छा काम होगा तो हम इसको चलाएंगे नहीं, सरपंचों के पक्ष में आएंगे। तो मैं तो आज भाई से मेरे परिवार है मेरा, मेरी जिम्मेवारी बनती है, कल कल कोई समस्या होती है तो मैं सर भाईचारा नाते दाया था, बी टी ऑफिस बंद था, सरपंचों ने प्रधान से बात हुई, प्रधान से बात हुई उन्होंने, और जो पहले प्रधान रहे उनसे बात हुई, जो सरपंच प्रधान से बात हुई, सभी सरपंचों से बात हुई है, उन्होंने दफ्तर खुलवा दिया है मेरे कहने से। और मैं तो यही सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ भाई, सरपंच चारों तरफ से हाला मचा रहे हैं, इनकी बात मांगो 20 लाख इन 10 लाख ही कर दो। हमारे जैसे भी गांव में जाते हैं, सभी बुजुर्ग मांग भी करते हैं छोटी मोटी, वह जल्दी पास हो जाए उसका हम वो मानते हैं, वह काम 6 महीने बाद उसको है नहीं मानते भी कैसे है। मैं तो यही बात करने के लिए आजा, सरपंचा के बिल्कुल पक्ष में हूँ और सरपंचाई मांग में अभी सेशन आओगे बजट सेशन, इसमें बात भी उठाऊँगा और ये मांग मांगूँगा, और भाई 10-20 लाख 10 लाख ही कर दो, जल्दी विकास हो जाओ, क्यों गाँव कई गाँव ऐसे देखे जहाँ हमने पैसे दिए हैं, सरपंच ये सोचता मेरे हाथ में पावर नहीं है, गांव में सरपंच बनाया है तो यहाँ तो उसकी बात देख रेख है, कोई कमेटी बनाई जावे, ये जब गांव ने सरपंच बना दिया तो सरपंच देख रेख करेगा उसकी। दरअसल सरकार की ई टेंडर पॉलिसी के तहत अब सरपंचों में 2 लाख से अधिक का विकास कार्य सिर्फ टेंडर के जरिए ही होगा। ऐसे में सरपंचों का कहना है कि सरकार ने ये पॉलिसी लाकर उनके सारे अधिकार छीन लिए हैं, जिसे वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। हालांकि पंचायतों में ई टेंडर पॉलिसी को लेकर भाजपा का स्टैंड क्लियर है, वो इस पॉलिसी के साथ खड़ी है, मगर सत्ता में भाजपा की सहयोगी पार्टी जेजेपी एक सुर में न तो विरोध कर पा रही और न ही समर्थन। ऐसे में सरपंचों का ये मसला कैसे हल होगा, ये बड़ा सवाल है। जुलाना से विजेंद्र सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।